सो हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्वा स्टेशन। सो आज का इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू ब्रीड नियॉन टेट्रा इन योर होम एक्वेरियम। सो जो पहला स्टेप है वो है टैंक सेटअप। नियॉन टेट्रा ब्रीडिंग के लिए आपको एक सेपरेट ब्रीडिंग टैंक सेटअप करना होगा। इस टैंक की साइज कम से कम 10 गैलन होना चाहिए और इसमें फिल्टर, हीटर और एयर पंप होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वह पेयरिंग। आपको मेल और फीमेल नियॉन टेट्रा को सिलेक्ट करना होगा। यह फिश यूजुअली पेट स्टोर में पेयर में अवेलेबल होती है। आपको एक पेयर मेल और एक पेयर फीमेल सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वह कंडीशनिंग। आपको मेल और फीमेल को कंडीशनिंग के लिए अलग टैंक में रखना होगा। इन्हें हाई प्रोटीन फूड, लाइव फूड और प्लांट बेस्ड फूड देना होगा। इन्हें कंडीशनिंग के लिए 2 to 3 weeks तक रखना होगा। और लाइव फूड के अंदर आप ट्यूफ्लेक्स वर्म और ब्लड वर्म भी दे सकते हैं। जो फोर्थ स्टेप है वह ब्रूडिंग। ब्रूडिंग के लिए आपको मेल और फीमेल को ब्रूडिंग टैंक में शिफ्ट करना होगा। इस टैंक में काफ़ी प्लांट्स और हाइडिंग प्लेस होना चाहिए जहां एग्स और फ्राई सेफ रह सकता है। आपको टैंक के टेम्परेचर को 76 to 80 degrees Fahrenheit और पीएच लेवल को 6 to 7 मेंटेन करना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वह स्पॉनिंग। मेल नियॉन टेट्रा फिश अपने फिन को स्प्रेड करता है और फीमेल के पास जाता है। फीमेल अपने एग को प्लांट्स लिप और स्टेम पे अटैच करती है। मेल अपने स्पर्म को एग्स पे रिलीज करता है। इस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वह केयर। आपको अब एग और फ्राई की केयर करना होगी। एग 24 to 36 hours में हैच होंगे और फ्राई 3 to 4 weeks के बाद फ्री स्विमिंग होंगे। इन्हें स्मॉल लाइव फूड जैसे कि होगा आपका ब्राइन श्रिम देना होगा और क्रस्ट पैलेट भी आप दे सकते हैं। आपको टैंक की क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा। ये प्रोसेस कुछ टाइम ले सकता है और पेशेंस की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस को मैनेज नहीं कर सकते तो किसी एक्सपीरियंस नियॉन टेट्रा ब्रीडर से हेल्प ले सकते हैं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।